1460। इतने दिन लगे हैं बाबा मुझे इस एक सिंगल शीट को हासिल करने में। बोले तो बाबा ये रही हमारी फाइनली डिग्री बीटेक की 4 साल की, और जो हमारा ओवरऑल सीजीपीए रहा है पूरे इंजीनियरिंग का वो है 9.03। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने 9+ CGPA स्कोर करा था पूरे इंजीनियरिंग में, और एक यार सेमेस्टर में मेरे से एक गलती हुई थी जो था फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसकी वजह से मेरी 9 से थोड़ी कम CGPA रह गई थी, और वो यार इंसिडेंट काफ़ी फनी सा भी है थोड़ा सा, तो मैं आपको वो एंड में बताऊंगा जिससे आपको यार बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब पहले तो यार बात करते हैं कि भाई साहब CGPA इंपॉर्टेंट है क्यों, ठीक है, क्या मतलब है CGPA का। तो क्या होता है कि यार आपको पता होगा प्लेसमेंट्स में यार CGPA बहुत मैटर करता है। आप कंपनीज ना सीधा बार लगा देती है कि हमें 8+ CGPA वाले बंदे चाहिए, 8.5+ CGPA वाले बंदे चाहिए, तो फिर आपके चाहे कितने अच्छे स्किल हो आप कर ही नहीं पाओगे। दूसरा ये कि यदि आप लोग यार मास्टर्स करने का सोच रहे हो, आपको चाहे गेट करके आपको एमटेक करना हो या आपको एमएस करना हो, तो उसमें भी आपके कॉलेज का कितना CGPA है वो मैटर करता है। तो इसीलिए अपन को अपनी एक डिसेंट अच्छी CGPA मेंटेन करके चलनी है। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन बाबा फिर ये करें कैसे, ये आती है भुत्ते की बात। अब देखो अच्छा CGPA स्कोर करने के ना यार दो तरीके के टाइप होते हैं, ठीक है। पहला ये कि मैं आपको बोलूंगा भाई साहब आप रेगुलर क्लासेस जाइए, आगे बैठिए, टीचर के प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल सा लगता है ना, आपको भी लग रहा होगा, क्योंकि मैं पर्सनली तो खुद ही कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। तो आती है दूसरे टाइप की कैटेगरी, जिनमें यार वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको यार भाई एंड में पढ़ने की थोड़ी सी आदत है, या ऐसे है कि भाई हम लोग एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, जो मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूँ, लेकिन साइड बाय साइड यार भाई साहब को करिकुलर में भी ध्यान देंगे, हम मौज भी उठाएंगे, हम भाई अलग अलग जगह पार्टिसिपेट भी करेंगे ताकि हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो हो, तो उसकी वजह से यार ऐसे कंसिस्टेंटली रोज रिविजन करना ये सब पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के लिए क्या एडवाइजेस है वो देखना अपन चालू करते हैं। तो देखो आपका जो एक पूरा सेमेस्टर है ना वो यार तीन अपन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है कि भाई हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही है, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट होता है एग्जाम के पहले जब हमारे में मौत आती है कि भाई अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फिर तीसरा पार्ट है जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो इन अलग अलग पार्ट में मेरी क्या एडवाइजेस है, मैं क्या करता था, मैं आपको वो शेयर करूंगा। तो पहले पार्ट की बात करें तो उसमें जो सबसे पहली जो मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ वो ये है कि आप इंटरेक्ट करो विद इमीडिएट सीनियर्स। अब इमीडिएट सीनियर्स पहले तो क्या होते हैं कि जैसे आप फर्स्ट ईयर में अभी गए हो कॉलेज के, तो आपका इमीडिएट सीनियर हुआ सेकेंड ईयर, तो आपको उनके साथ रिलेशनशिप बनाना है। तो अब ये क्यों बनाए भाई हम इमीडिएट सीनियर से, क्या फायदा होता है? तो क्या होता है जब आप फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल आए तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स है, अलग अलग टीचर्स है, तो अब यदि आपका इंटरेक्शन रहा आपके जस्ट इमीडिएट सीनियर से, तो पहली बात तो जो आप अभी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे वो जस्ट एक साल पहले वो खुद पढ़ के आए हैं, तो उनको पूरे सब्जेक्ट का आइडिया है कि भाई साहब ये वाला सब्जेक्ट को दिक्कत दे देगा, इसमें तो तू पहले से ध्यान दे देना, इसमें 3-4 दिन पहले से पढ़ लेना, इसमें यहाँ से ये वाली चीज पढ़ लेना, वो आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दे देंगे। सेकेंडली हाई चांसेस है कि यार आपके और उनके टीचर भी सेम हो, तो आपको वो टीचर के भी इनसाइट दे देंगे कि भाई इस टीचर का ध्यान रखना, तू इसका ना भाई क्लासेस अटेंड करना, बंक मत मार लेना, ये 12 बजा देगा बाद में, तो तुम्हें एक ओवरऑल मतलब पूरा व्यू मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे को किस क्लास में कैसे अटेंड करना है, कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट होने वाले, किस में कहाँ से पढ़ना है, और वो आपको एक सीनियर बहुत अच्छी तरीके से इनसाइट दे सकता है। अब जो दूसरी एडवाइस है वो ये है असाइनमेंट मैटर्स। जी हाँ, तो जो भी आपको लगता है ना कि हमें कॉलेज वाले असाइनमेंट दे रहे हैं बेफालतू में, मेरे को लिखना पड़ रहा है बार बार, ये क्या है, उससे अच्छा नेट पे सीधा अपलोड करवा देते, ये सब सेंसलेस है, बट मार्क्स चाहिए तो बाबा ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ना सीन, कि आपका जब पूरा जैसे 100 मार्क का पूरा आपका इवैल्यूएशन है, तो उसमें से आपको पता होगा कि 10 या 20 मार्क टीचर के हाथ में रहते, इंटरनल नाम का एक चीज़ होती है जिसको टीचर के हाथ में पूरा रहता है, तो उसमें ना जो टीचर मार्किंग करती है ना वो इस हिसाब से करती है कि भाई साहब इस बंदे ने असाइनमेंट डेडलाइंस पे दिए हैं कि नहीं दिए हैं, जो इसको मैंने यदि प्रोजेक्ट का बोला था वो कराया कि नहीं, अटेंडेंस कितनी चल रही है, भाई आते हैं कि नहीं, भाई साहब की गायब ही रहते हैं, तो इन सब से फिर आपका वो इंटरनल का जो 10 या 20 मार्क का इवैल्यूएशन होता है ना वो आता है, और वो बाद में ना मैटर कर जाता है जब अपना रिलेटिव CGPA या CGPA निकलती है। तो इसीलिए आपको ना यार चाहे असाइनमेंट आपको कुछ भी लग रहा हो, आपको कॉपी करना हो, मन नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी कॉपी करके प्रॉपर डेडलाइन पे आपको असाइनमेंट देना है, वरना आप चाहे एग्जाम्स कितना अच्छा कर लो लेकिन इंटरनल में ही रह गए
तो क्या मजा फिर। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है वो ये है, नेवर मिस लैब्स। तो बाबा चाहे आप लोग क्लास बंक कर लो एक बार को, लेकिन बाबा लैब को बंक नहीं करना, क्योंकि आपको पता होगा, देखो लैब का अलग से इवैल्यूएशन होता है प्रैक्टिकल का 20 या 30 मार्क का। अब लैब में क्या सीन होता है ना कि आपको जाना रहता है, तो आपकी लैब मतलब जो अटेंडेंस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंडली लैब में क्या होता है ना कि आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, फिर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशंस लिखना रहता है, और फिर जब आपने ऑब्जर्वेशन लिखा तो आपको क्या रहता है कि जिस दिन लैब होती है ना उसी दिन जो उसका लैब अटेंडेंट होता है वो साइन करता है कि हाँ चलो आपने ऑब्जर्वेशन लिख लिया, साइन कर दिया। अब फिर आपको जब वो लैब मैनुअल बनानी होगी उसमें आपके अपने ऑब्जर्वेशन लिखने होंगे और फिर कैलकुलेशन करके लाना है। अब क्या होता है लैब के एग्जाम में फिर ये चेक करा जाता है कि जहाँ पे आपने ऑब्जर्वेशन लिखा था और लैब मैनुअल वाले ने मतलब लैब असिस्टेंट ने साइन करा था, वो देखते हैं कि हाँ चलो तुम आए थे और तुमने लैब मैनुअल पूरी लिख रखी है। अब इसमें यदि आपने एक भी दिन कच्चा दे दिया, लैब में गए नहीं, तो आपके पास वो ऑब्जर्वेशन होंगे नहीं, तो आपके वो जो एक्सपेरिमेंट होंगे ना वो खाली हो जाएगा, तो आपकी लैब एग्जाम में ना दिक्कत आ जाएगी। अब यही कॉन्ट्रेरी यदि आप क्लास में नहीं जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे, वो चलेगा, आप बाद में जाके देख सकते हो, बट लैब में ये वाली सेम चीज नहीं होती है। तो लैब आप लोग यार ध्यान देना कि रेगुलर जाओ, एकदम लैब मिस ना करो, भले क्लासेस कभी मिस करना हो तो तड़ी मार दो। अब बात करते हैं हम उस फेज में जब एग्जाम्स आने वाली है, तो देखो उसमें जो फोर्थ एडवाइस है वो ये है अपनी यार कि बाबा आप लोग स्टार्ट अर्ली। देखो अपन को ना एकदम लास्ट डे का वेट नहीं करना है कि भाई साहब कल से एग्जाम चालू हो रही है, आज पढ़ना चालू करेंगे, ये भयंकर लेवल का थ्रिल हो जाएगा, इतना भी थ्रिल जीवन में नहीं चाहिए अपन को। आपको क्या करना है यार, यदि एंड सेम है तो कम से कम 2 हफ्ते पहले आप चालू कर दो प्रिपरेशन, और यदि मिड सेम है तो 1 वीक पहले चालू कर दो, आप सारे क्लास नोट्स इकट्ठे कर लो, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, सब चीजें करके प्रेप चालू कर दो। अब जो फिफ्थ एडवाइस है वो है प्रिफर क्लास नोट्स मोर देन बुक्स। अब जी हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा शायद अजीब लग रहा होगा कि भाई साहब बुक पढ़ेंगे ना, जो मेन कोर चीज़ है वो पढ़ेंगे, हम क्लास नोट्स क्या पढ़ेंगे, उसमें कुछ कुछ चीज़ें होगी, लेकिन यदि यार आपको अच्छा स्कोर करना है ना ये, तो आपको यार क्लास नोट्स अच्छे से गो थ्रू करने हैं, और उससे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मैम ने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फिर जो आपको डाउट आए वो भले आप बुक रेफर कर सकते हो या यूट्यूब पर जाके सर्च करके वीडियोज दे सकते हो, क्लास नोट्स लेकिन आपको रेफर करना है। ये किसी लिए इंपॉर्टेंट होता है, पहली चीज़ कि आपको यार समझ में आ जाता है कि टीचर ने कैसे पढ़ाया है, तो हमें किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। अब चाहे आप कोई दूसरी बुक में देख रहे हो, रेफर कर रहे हो, उसमें कोई चीज़ को अलग तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आप यार उस तरीके से एक्सप्लेन करोगे ना तो टीचर शायद आपको मार्क्स दे ना दे फुल, लेकिन आपने यदि टीचर वाले ही तरीके से लिख दिया तो आ हा, टीचर को तो मजा आ जाएगा कि भाई इस बंदे ने ध्यान दिया है क्लास में। तो आपको क्लास नोट्स करना है। अब ये हाई चांस हो सकता है कि भाई साहब आपके पास क्लास नोट्स है ही नहीं, आपने कभी कभी अटेंडेंस में गुल मारी थी, तो आप क्या करो, अपने भाई साहब एक टॉपर फ्रेंड बनाओ, उससे जब भी एग्जाम्स आए उसके पहले उसके नोट्स लो और फिर उसको गो थ्रू करो, लेकिन क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जो छठवीं एडवाइस होती है वो ये होती है, गो थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर बिफोर स्टडिंग। अब इसका क्या मतलब है यार, भैया हमने ये सुना है कि पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आप उल्टा क्यों कह रहे हो। तो देखो कॉलेज में क्या होता है ना कि पहली चीज आपके प्रीवियस ईयर पेपर यदि आपने एक बार गो थ्रू कर लिए तो आपको क्या ना पता चल जाता है क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने 5-6 साल के देख लिए कि भाई साहब इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आते, ये क्वेश्चन आते, इस पार्ट आते, आपको पूरा आइडिया लग गया यार कि इस पार्ट पे यार ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको भले पेपर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, क्या आंसर होने चाहिए इसके, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये चैप्टर में ज्यादा वेटेज आ रहा है, इसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका आपको एक बार ओवरव्यू लग गया तो फिर आप जब पढ़ना चालू करोगे तो आपके भी दिमाग में रहेगा भाई इस चीजों को मेरे को ज्यादा से अच्छे से याद रखना है, ये चीजें मेरे को फोकस में नहीं रखनी, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इसको फोकस याद करने में ना लगे रहो। तो ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर पेपर से आइडिया लग गया। उसके बाद जब आपने पूरी प्रेप कर ली तो आपको वापस पूरे प्रीवियस ईयर को अब आंसर करना है। अब आपको यार उसके आंसर देखने की हाँ मेरे को याद है कि नहीं है ये सारे, ये क्यों, क्योंकि यार कॉलेज में ऐसा होता है कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही जस्ट उठ के क्वेश्चन वापस आ गए, क्योंकि ये कोई IIT JEE और ऐसा तो है नहीं कि कभी रिपीट ही ना हो क्वेश्चन, इसमें रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद और पढ़ने के पहले दोनों टाइम रिफर करना, तो आपको पूरा बढ़िया तरीके से आइडिया लग जाएगा। अब जो सातवीं एडवाइस है वो ये है कि ग्रुप स्टडी इक्वल्स टू ग्रुप मस्ती। तो देखो बाबा यार आपने यार स्टार्टिंग में काफी मस्ती कर ली, रेगुलर क्लासेस के टाइम मस्ती कर ली, अब एंड के टाइम पे ना आपको यार कम से कम मस्ती करनी है। तो क्या है कि यदि आपका ऐसा होता है कि यार चलो यार एक साथ बैठ के सारे लेते हैं, मेरे को यार नींद सी लग रही है और तू भी वही टॉपिक पढ़ रहा है, मैं भी वही टॉपिक पढ़ो, एक काम कर साथ में आ जाए, दोनों साथ में पढ़ेंगे ना तो जगते रहेंगे, तो जी हाँ आपको नींद तो नहीं लगेगी लेकिन आप पढ़ोगे भी नहीं, क्योंकि आप भयंकर लेवल की मस्ती करना चालू कर दोगे। तो आप अवॉइड करना यार ये ग्रुप स्टडीज को, आप ट्राई करना कि भाई आप
मतलब लाइब्रेरी चले जाओ या अकेले कोई भी जगह जाके पढ़ लो, या तो जो ग्रुप स्टडी एक टाइप की होती है जो मैंने देखा है होते हुए, वो ये होती है यार कि भाई एक काम कर, तू 5 चैप्टर पढ़ ले, मैं ये वाले 5 चैप्टर पढ़ता हूँ, तू दूसरे 5 चैप्टर पढ़ ले, हम तीन फिर बाद में एक बंदा बाकी को पढ़ाएगा फिर दूसरा बाकी को पढ़ाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यार तीनों जन एक ही चैप्टर एक साथ पढ़ रहे, क्योंकि वो फिर एक साथ नहीं पढ़ते। तो ये चीज़ अवॉइड करना, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आपको स्मार्टली काम करना है। ऐसा नहीं कि उस समय भी हमारा टाइम पास करते करते टाइम निकल जाए। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम देते टाइम आपको क्या चीज़ें याद रखनी है। तो और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये ध्यान रखो कि यार आप पेपर अच्छे से गो थ्रू कर लो, जो उसमें यार इंस्ट्रक्शन लिखा है ना वो पढ़ लेना ढंग से। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे होता है कि 6 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें लिखा था अटेम्प्ट 24, तो ऐसा ना हो कि आप भाई 6 की 6 क्वेश्चन गो थ्रू कर लो और उसको सारों को लिखने बैठ जाओ और टाइम पास कर दो, जिसकी वजह से बाद में आप पेपर कंप्लीट ना कर पाओ। तो इसीलिए 4 क्वेश्चन करने, तो 4 को अच्छे से आप अटेम्प्ट करो। दूसरा ये कि भाई साहब पेपर को ना ऊपर नीचे पलटा घुमा के सब देख लेना कि भाई साहब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ आए हैं। मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस हुआ था कि एक बार कि मैं पेपर करा था लेकिन पीछे वाला पार्ट नहीं देखा था जिसमें 2 क्वेश्चन थे, वो अपन ने देखा ही नहीं। वो तो जब बाहर जब डिस्कस करने गए कि भाई कैसा गया पेपर, तो मतलब बढ़िया तो था यार, ये सारे क्वेश्चन अच्छा है, फिर पता चला कि पीछे 2 क्वेश्चन और भी थे जो अपने को पता नहीं था। तो ये आप मत करना, पूरा पेपर देख लेना भाई साहब कितने क्वेश्चन है क्या है सब, और फिर अटेम्प्ट करना चालू करना। अब दूसरा ये है कि यार यदि आपको पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आपको क्या करना है यार, उससे मिलता जुलता कोई आपको चीजें पता है उसके आंसर्स लिख देना, लेकिन खाली मत छोड़ना बाबा, क्योंकि खाली छोड़ोगे तो वैसे ही 0 मार्क्स आएंगे। लेकिन कुछ मिलता जुलता लिख दिया और टीचर थोड़ा लाइटली चेक कर रहा है तो यार उसमें टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएगा, तो आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। और तीसरा ये कि भाई साहब आप पॉइंटर्स में लिखने का ट्राई करना आंसर्स। तो क्या होता है, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है और आपने 3 पॉइंटर्स लिख दिए ढंग के, तो आपको टीचर मार्क्स दे देती है, रेदर देन आपने उसको पैराग्राफ में लिख दिया और टीचर को समझ में नहीं आता कि इसको किस तरीके से इवैल्यूएट करूं। तो आप ट्राई करना पॉइंटर्स में इसको आंसर करो अच्छी तरीके से, तो आपको सही होगा। तो ये थे यार मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस और एडवाइस। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से यार मेरी CGPA 9 से कम हो गई थी। तो सीन ये हुआ था बाबा कि जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में अपन जाते हैं तो क्या होता है यार कि भाई अपने दोस्त तैयारी कम रहते हैं, अपन लोग दोस्त बनाना चाहते हैं कि यार हमारे दोस्त बने क्लासेस में, है ना। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था कि यार मैं भाई अब हॉस्टल में आया था तो क्लास में दोस्त अच्छे से बन नहीं रहे थे, तो हमने दोस्ती करना चालू करी थी। तो क्या हुआ था ना यार कि कंप्यूटर साइंस जिसमें भाई साहब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, CS जिसमें मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा था कोडिंग करने में, उसकी लैब्स थी, ठीक है। तो लैब के फाइनल इवैल्यूएशन में क्या हो रहा था, उनने बोला था कि आपको लैब फाइल सबमिट करनी है और लैब फाइल में 10 प्रोग्राम्स थे जिसको आपको कोड करके आना था। तो उस लैब मतलब जो हमारी टीचर थे उन्हें पहले बोला था कि भाई साहब किसी के प्रोग्राम और आउटपुट सेम नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो मैं सीधा बाहर कर दूंगी और उसको 0 चढ़ा दूंगी। अपन बोला नहीं करेंगे। तो अपन ने भी पूरी मेहनत से भाई लैब असाइनमेंट के लिए सारी कोड करके अपना ही आउटपुट जनरेट करके पूरी लैब मैनुअल बनाई मत अच्छी तरीके से, ठीक है। और अब अपने एग्जाम होने वाला था। एग्जाम के 2 दिन पहले एक मेरे जिससे थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप चालू हुई थी, उस फ्रेंड का फोन आया कि यार भाई यार तूने बना लिया क्या लैब मैनुअल, प्लीज़ बता मेरे को, मतलब मेरे को चाहिए यार, मैंने अभी तक बनाया नहीं यार। तो अब अपन ने क्या सोचा यार कि भाई हेल्पिंग इज़ माय पैशन, अपन जब हेल्प करेंगे तभी तो अपनी दोस्ती गहरी बनेगी, तो एक काम करता हूँ इसको दे देता हूँ तो काम आ जाएगा, मतलब बाद में इसको भी लगेगा कि यार अच्छा दोस्त इसने तो दे दिया आखिरी टाइम पे। तो मैंने उसको बोला कि हाँ भाई ले ले, एक काम करना बस कि ये सारे कोड है, कोड में बस तू थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेना और आउटपुट तो भाई पक्के से तू अलग ही डालना, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसने बोला अरे भाई तू चिंता मत कर, मैं आउटपुट सब चेंज करके डाल दूंगा, मेरे को बस एक बेस स्ट्रक्चर थी। मैंने उसको भाई साहब अपनी पूरी फाइल सारी भेज दी कि तू करके बना लेना। अब बात आई लैब वाले दिन की, तो लैब वाले दिन क्या हुआ कि अपन गए, मैं भी गया और वो मेरा फ्रेंड भी आया, हम लोग सारे, और वो जो मेरा फ्रेंड उसका जस्ट मेरे से एक पहले रोल नंबर है, हम दोनों का एकदम आसपास रोल नंबर है। तो अब लैब जो वाली टीचर थी उनने बुलाया, तो पहले इसका लैब वाली फाइल आई, इसका मेरे से जस्ट पहले रोल नंबर था, तो इसकी लैब फाइल देखी। तो इसकी लैब फाइल में अब इस गधे ने क्या करा था मैं आपको ये बताता हूँ। क्या हुआ था कि इसने क्या करा था, इसने भाई साहब तुम आउटपुट तो छोड़ो कोड चेंज तो छोड़ो, इनने तो पूरी फाइल एज इट इज मेरी प्रिंट आउट करवा के निकलवा ली। और फ्रंट पेज पे पता है इसने क्या करा था, इसने फ्रंट पेज भी खुद से बनाने का ट्राई नहीं करा, इसने फ्रंट पेज पे क्या करा कि वो भी प्रिंट आउट करवा लिया और फिर एक वाइट पेपर लिया, वाइट पेपर में पेन से पूरा सब कुछ प्रिंटेड है, पेन से भाई साहब ने अपना नाम लिख दिया और फिर उसको उसके ऊपर फेविस्टिक से चिपका के फाइल सबमिट कर दी। तो मैम आई, मैम ने बोला अरे वाह ये तो हैंड रिटन है, मैम ने ऐसे यूं करके यूं धीरे से यूं निकाला, उसके पीछे भाई अपना नाम सिद्धार्थ सिंह लिखा हुआ और मैम ने भाई पकड़ लिया। मैंने बोला बोले वाह यार तुम तो बहुत जीनियस हो। तो पहले तो उसको मेरे फ्रेंड को बुलाया और फिर मेरे को भी बुलाया कि बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत होशियार हो आप भी बहुत होशियार हो। फिर बताया कि भाई ये क्या है, ये तो पूरी फाइल एग्जैक्ट सेम है दोनों की, फ्रंट पेज सेम पीछे का सेम।
तो बोले एक काम करो दोनों बाहर। तो मैं बेचारा वो कोड कर रहा था एग्जाम में कि भाई मेरा बस कोड सबमिट होने वाला है तो मेरा लैब का टेस्ट भी सही हो जाएगा, इधर से मैनुअल भी पूरी सबमिट होगी। और अपन भाई साहब ना टेस्ट उसने पूरा देना दिया ना मेरा ये मैनुअल, उनने सीधा बाहर कर दिया। तो उस वजह से यार मेरा जो कंप्यूटर साइंस वाले सब्जेक्ट था उसमें ही, जिसमें मेरे को सबसे ज़्यादा मतलब नॉलेज आ गई थी, मैंने कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें ही मेरे को सबसे कम मार्क्स आए, जिसकी वजह से यार मेरी 9 से कम CGPA थी। तो बाबा ये बात आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो टीचर्स ना सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि भाई साहब तुम्हें यदि वो बोल रहे ना कि तुम सेम मत करो तो मत करो, अलग बना के चलो। अगली बार से तो मैंने ये कर लिया था, समझ लिया था कि भाई साहब अब कभी भी वो फ्रेंड मेरे से मांगता है, अभी भी वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, अब वो कभी मांगता है ना तो मैं उसको खुद मेरे हाथ से सब कुछ एडिट करके भेजता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई तू चिंता मत कर, तू लोड मत ले, मैं कर लूंगा तेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा ये थे मेरे एक्सपीरियंसेस और एडवाइस जिससे आप भी यार 9+ CGPA स्कोर कर सकते हो। और बाबा ये मुश्किल नहीं होता है इतना स्कोर करना, CGPA अच्छे लाना कॉलेज में, आपको बस थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। तो आप लोग यार एकेडमिक्स को भी अच्छे से हैंडल कर लोगे, फुल मस्ती भी कर लोगे, को करिकुलर भी कर लोगे, और एक नंबर आपकी इंजीनियरिंग लाइफ रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो में इंसाइट्स मिले हो, आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो आओ आप लोग लाइक कर सकते हो, और आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो से अलविदा लेते हैं, बाय बाय।